हाँ देखो, आज भगवान कृष्ण का जन्म तिथि, इसलिए जो आज का दिन विशेष करके हमारे सनातन धर्म के लिए आज सबसे बड़ा महत्व का दिन है, मृदंग है। आज बड़े महत्व का दिन हमारे ठाकुर भगवान कृष्ण जगत में जन्म हुए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए जब भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, कहते साधारण इंसान की बात छोड़ दो, भागवत में आता है 33 करोड़ देवता भी, ब्रह्मा शंकर नारद इंद्र चंद्र, ये जितने सारे देवता प्रकट होकर के ये सब के सब भगवान जो गर्भ में आए, सब के सब भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्यमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। सारे देवता भगवान को सत्य सत्य बोल करके भगवान को स्तुति कर रहे थे। बोले हे प्रभु सत्य व्रतम, भगवान जो व्रत रखते हैं सत्य है, केवल हम ही व्रत रखते हैं ऐसे नहीं। आज जैसे जन्माष्टमी सब व्रत रखे कि नहीं, सब रखे हो, इसलिए हम ही व्रत रखते हैं ऐसे नहीं, भगवान का भी व्रत है। भगवान भी बोले भैया भगवान किसके लिए व्रत करते हैं? बोले भगवान भक्त के लिए व्रत रखते हैं। हाँ भगवान भक्त भगवान के लिए और भगवान भक्त के लिए, दोनों दोनों के लिए व्रत रखते हैं। बोले भगवान क्या व्रत रखते हैं? भगवान का क्या व्रत है? भगवान खुद कहते हैं, बोले सकृत एव प्रपर्णा जस तवाम स्मितते जाचते अभयम सर्वदा तस्मयी ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान कहती है मेरे व्रत है। बोले क्या व्रत है? अगर एक बार कोई हृदय से बोल दे ठाकुर जी मैं तेरा हूँ और तू मेरा, बस केवल इतना अगर हृदय से बोल दे, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा तस्मयी, हर समय में उसको अभय प्रदान करता हूँ, बस ये मेरी व्रत है। इसलिए भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान भी व्रत धारण करते, इसलिए सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। भगवान कौन है? बोले तीन काल में, इसलिए कहते सनातन। सनातन मतलब क्या? पहले जो थे, अभी जो है और बाद में जो रहेंगे, ये सनातन है। इसलिए भगवान कहते हैं वो तीन काल में सत्य है, पहले भी थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे, इसलिए त्रिकाल सत्य है। बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, बोले सत्य सो ज्योनी, कहते भगवान की जो सृष्टि वो भी सत्य है। जैसे हम लोग जन्म ग्रहण किए, बड़े होएंगे, लिखाई पढ़ाई करेंगे, शादीशुदा होगा, बाल बच्चे होंगे, उनको बड़े करते करते बूढ़े होकर मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे, क्या भगवान ऐसे है? बोले भगवान ऐसे नहीं, भगवान को बोले नव किशोर नटव है, हर समय भगवान किशोर। किशोर मतलब भगवान को 14.5 साल से कभी ज़्यादा उम्र होता ही नहीं ठाकुर जी। इसलिए भगवान राम और कृष्ण का कभी दाढ़ी और मोचे देखे कभी नहीं है, हैं नहीं भगवान की। इसलिए भगवान 14.5 साल से ठाकुर का उम्र कभी ज़्यादा होता ही नहीं। और लक्ष्मी की, राधा रानी की, लक्ष्मी की कभी बूढ़े देखो लक्ष्मी को, राधा रानी को, गोपियों को नहीं। इसलिए कहते ये कभी भी इनका उम्र 13.5 साल से कभी ज़्यादा इनकी उम्र होती नहीं। और उनको जो सखी गोपियाँ हैं ना, कोई 12 साल की, कोई 11 साल की, कोई 8 साल की, कोई 9 साल की, इतने इससे उम्र कभी ज़्यादा इनकी होते नहीं। अगर हम भी इनकी भक्ति करेंगे ना, हम भी एक दिन हो जाएंगे। अगर जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब हमारी सिद्धि होगी ना, ठाकुर जी भी अपना चरण में सब हमें गोप गोपी बना देंगे, फिर हम बूढ़े बूढ़े कभी होंगे नहीं, हर समय एकदम नव किशोर बन कर रहेंगे, कभी बूढ़े हम नहीं होएंगे। लेकिन कब होएंगे? जब भगवान की हम भक्ति करेंगे। जैसे श्री हनुमान जी, हनुमान जी को कोई बूढ़े देखते हो कभी? एकदम नौजवान हर समय हनुमान जी, क्योंकि राम की भक्ति करते हैं। इसलिए कहते हैं सत्य सो जोनी, भगवान के जितने अवतार हैं सारे अवतार भी भगवान की सत्य, भगवान के सारे अवतार हैं। निहितम च सत्य, भगवान जहाँ रहते हैं, बोले ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? बोले अपना धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, अयोध्या में, अपना वैकुंठ लोक में,
मथुरा में ठाकुर जी वहां पर रहते हैं, इसलिए कहते हैं उनका धाम भी सत्य है। इसलिए भगवान का सब कुछ भगवान की सत्य सत्य भगवान की सत्य है। इसलिए आज ठाकुर जी जन्म ग्रहण किए हैं, इसलिए आज का दिन हम लोगों के लिए अत्यंत अत्यंत शुभ दिन है। इसलिए आज हम लोग भगवान की कुछ कुछ कीर्तन करेंगे। पहला कीर्तन करेंगे जिसका नाम कहते हैं मंगल गीत। इसलिए जब गुरुदेव मथुरा में रहते थे सबसे पहले ये भजन को गाते थे, बोले क्यों, कहते इसका नाम ही मंगल गीत। मंगल गीत मतलब क्या है, जिसको गाने से हर समय हमारी मंगल ही होगा, कभी जीवन में हमारी अमंगल नहीं होगी, इसलिए इसका नाम है मंगल गीत है। कहते जो मंगल गीत ये कभी जयदेव गोस्वामी का मंगल गीत पहले हम लोग को सुने ना, जहाँ पर ये कीर्तन हो जगन्नाथ जी कृष्ण वहाँ रह ही नहीं सकते, भगवान को वहाँ आना ही पड़ेगा जहाँ पर ये कीर्तन होगा। बोले क्यों आना पड़ेगा, बोले कारण है उसमें श्री राधा जी की महिमा, कृष्ण की महिमा उसके अंदर में। इसलिए कहीं भी कोई काम हो, कोई अच्छा अनुष्ठान होता था, गुरुदेव सबसे पहले ये मंगल गीत को गाते थे। यहाँ पर पुस्तक हम पुस्तक को हे बच्चों हे हरे कृष्ण इसमें गौड़ीय गीति कुछ होगा, इनका हाथ में दिलवा दो तो भजन। आप लोग हम लोगों को पीछे पीछे बोलना, आपको वो ग्रंथ दे रहे हैं, बड़े सुंदर भजन है, भजन है जिसको सुनने से ठाकुर जी कहीं भी रह नहीं सकते, ठाकुर को भाग भाग करके वहाँ आना पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए देखो उसको तो उसको देख देख करके हम लोगों को पीछे पीछे हम लोग को देख देख कर पीछे पीछे हम लोग गाते रहे, ठीक है। आप जय जय देव जैसे है ना, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय गोविंद गोपाल नंद दुलाल, जय यशोदा दुलाल, जय जय देव को ये इतने प्यारा क्यों है, कारण क्या है, कहते श्रित कमला कुच मंडल हे ध्रुत कुंडल हे कलित ललित वन माल जय जय देव हरे। ये भगवान का शरीर में जितने श्रृंगार, ठाकुर जी कृष्ण का शरीर में जितने श्रृंगार है वो सब के सब श्री राधा रानी को लक्ष्य करता है। जैसे ठाकुर जी का जो कपड़े है, अब बताओ तो ठाकुर जी कौन सा रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले। बोले पीले क्यों पहनते, और क्या रंग ठाकुर को मिला नहीं क्या, कहते इसीलिए पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, राधा रानी का शरीर का जो रंग है वो पीला रंग है, इसलिए कृष्ण को पीला रंग पसंद है। अब बताओ राधा रानी कौन सा रंग की कपड़ा पहनती, नीला, कौन सा, नीले रंग के। बोले नीले क्यों पहनते, बोले ठाकुर का कृष्ण का जो रंग अंग का जो रंग है कौन सा रंग है, नीला रंग। राधा रानी का चुंदरी का कौन सा रंग है, कहते गुलाबी। बोले गुलाबी क्यों पहनते हैं, कहते जो गुलाबी रंग ये प्रेम का रंग है, ये अनुराग का रंग है, ये गुलाबी रंग है। इसलिए जगन्नाथ जी जो कुछ धारण करते हैं, कहते कान में जो कुंडल ठाकुर जी धारण करते हैं, बोले किस चीज की कुंडल वो है, बोले जिसमें केवल राधा जी के नाम को छोड़ करके और कोई नाम जैसे कृष्ण का कान में प्रवेश ही नहीं करता, ये कुंडल है।
राधा रानी किस चीज की कुंडल धारण करती है? बोले कृष्ण के नाम को छोड़ करके जिनके कान में और कोई नाम ही नहीं प्रवेश करता है, हैं? कोई नाम ही प्रवेश नहीं करता, इसलिए ये कुंडल को धारण करते हैं। कहते कलिता ललिता बनमाल, ठाकुर जी गला में जो माला पहनते हैं ये माला को कौन बनाती है? बोले श्री राधा रानी। राधा रानी ये माला को राधा रानी बनाती है, और प्रेम से। आपने कभी फूल की माला बनाई हो? कौन कौन बनाई हो? जैसे देखना ठाकुर जी के लिए कोई माला बना दो, क्या सोच सोच करके ठाकुर जी माला पहनेंगे, ठाकुर जी माला पहनेंगे, यही सोच सोच करके ना। इसलिए राधा रानी जब कोई माला बनाती है ये सोच सोच करके ये माला को श्री कृष्ण धारण करेंगे, जगन्नाथ जी धारण करेंगे, ये सोच सोच करके हैं। इसलिए भगवान की जो जितने श्रृंगार सबके सब श्री राधा रानी को लक्ष्य करता है, इसीलिए ठाकुर जी को ये भजन बड़ा प्यारा भजन है, हैं? ये भजन बड़ा प्यारा भजन है। फिर उसके बाद दीन मणि
ये भजन में बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण की महिमा को गाते हैं। कहते भगवान, कहते मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरि। ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? कहते संतों की हृदय में। ठाकुर जी संतों के हृदय में रहते हैं। एक समय कुछ संत लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चा हुई, जगत में सबसे बड़े कौन है। एक ने कहा, भैया जगत में सबसे बड़ा पानी है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में तीन भाग पानी और एक भाग मिट्टी स्थल है, तो जगत में सबसे बड़े पानी। एक संत ने कहा, तो पानी को कैसे बड़ा बोल दिया? अगर पानी को बोलूंगा तो बड़ा, हम कहेंगे तो जगत में सबसे बड़े अनंत देव है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को सर के ऊपर में किसी ने धारणा करके रखा, अनंत देव सर्व सुख भाती। बोले अनंत देव बड़े। किसने कहा, बोले अनंत देव बड़े बोलोगे, मैं तो कहो सबसे बड़े भोले बाबा है, क्योंकि शंकर जी के गले में कौन है, ये सर्प है, अनंत देव है। किसने कहा, अगर बोले भोले बाबा, हम कहते उससे बड़े रावण है, क्योंकि जब रावण दिग्विजय करने गया था, वो कैलाश समेत एक हाथों से उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा कैलाश को उखाड़ दिया है। कहते रावण बड़े। किसने बोला, अगर रावण बोलो बड़ा बोलोगे, मैं बोलूंगा तो जगत में सबसे बड़ा बाली है, क्योंकि जब भगवान जिस समय बाली तर्पण कर रहा था, रावण जाकर कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, बोले कौन है पानी को भोला कर रहा है, वो इसे पकड़े 6 महीना तक गले उसने बगल में दबा करके रखे हैं। बोले अगर बोले क्योंकि बाली बड़ा, मैं बोलूंगा सबसे बड़े राम। बोले क्यों? बोले एक बाण से भगवान ने क्या किया, बाली को मार डाला, इसलिए जगत में सबसे बड़े कौन है, राम। किसने कहा, अगर बोले राम बड़े, बोले उनसे भी एक बड़ा। बोले भगवान से थोड़ी कोई बड़ा हो सकता है। बोले हाँ मैं बोलता हूँ बड़ा। बोले कौन है जगत में बड़े? बोले कहते मुनि जन मानस हंस जय जय देव। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कहते संतों का हृदय कैसे, कहते मुनि जन मानस हंस, कहते संतों का हृदय एक सरोवर है, और जो हंस क्या करता है, जैसे सरोवर में विहार करता है, संतों के हृदय में भगवान क्या करते हैं, एक मानस सरोवर में जैसे विहार करते संतों की हृदय में ठाकुर जी विहार करते हैं। इसलिए इतने बड़े जो दुनिया के मालिक को, सारा विश्व ब्रह्मांड जिनको अंदर में रहता है, लेकिन उनको अंदर में कौन धारण करके रखा है, कौन धारण कर रखा हृदय में, किसके हृदय में ठाकुर रहते हैं, संतों के हृदय में। तो जगत में सबसे बड़े कौन हो गए, संत हो गए सबसे बड़े। इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन के द्वारा उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने बात बताई। इसलिए कहते अमल कमल दल लोचन हे भव मोचन है। कहते भगवान की आंख कैसे है, बोले कमल है, कमल जैसे भगवान की आंख है, और जो क्या करते हैं, भव मोचन है, भगवान का नाम लेने से ठाकुर जी भव संसार से हमें त्राण कर देते हैं। इसलिए कहते ऐसे जो भगवान है, कहते हम उसको प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते अभिनव जलधर सुंदर है द्रुत मंदर है। इसलिए भगवान के शरीर का रंग कैसे है, कैसे रंग है भगवान, कैसे रंग है बोलो, श्याम रंग है भगवान के हैं।
कहते भगवान की रंग श्याम रंग क्यों है, कहते जैसे आकाश में मेघ आए ना, आकाश में जैसे मेघ उठा, आकाश का रंग कैसे है एकदम नीला रंग है, है? जैसे ठाकुर का रंग वैसे। बोले कारण क्या, बोले कारण है जो मेघ है ये पानी जब घनीभूत अवस्था धारण करता है ये मेघ बनता है, ये पानी का एक नाम कृपा है। जैसे अगर पानी को हमारे छाती फट रहा है, अगर पानी पियो तो क्या तृप्ति लगता है ना, ये आनंद लग तृप्ति लगता है, इसलिए पानी का एक नाम कृपा है, है करुणा है। इसलिए भगवान कौन है, जैसे करुणा जब घनीभूत अवस्था धारण करता है ये मेघ, इसलिए भगवान का रंग काला रंग है। भगवान कौन है, बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपति, भगवान करुणा की सागर है। इसलिए कहते अभिनव जलधर सुंदर है द्रुत मंदर है। उसके बाद में हाँ बोले श्री मुख चंद्र चकोर, भगवान कैसे हैं, श्री मुख चंद्र चकोर, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी हैं, श्रीमती राधा रानी। उदाहरण देते हैं जैसे चंद्रमा एक चकोर एक चिड़िया होता है, वो चिड़िया का प्राण क्या है, बोले चंद्रमा से जो किरण निकलता है वो चिड़िया की प्राण है। उसी तरह जो कृष्ण है किसके मुख को देख देख कर ठाकुर जी जिंदा रहते हैं, राधा रानी, राधा रानी के मुख को दर्शन करते ही कृष्ण तृप्त हो जाते हैं। कहते ऐसे जो भगवान कृष्ण है, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सबके सब भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के चरण में। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, हाँ आज हम भगवान कृष्ण की जितने भजन हैं है? उनको स्तुति हम इसको श्रवण करेंगे। सुचारू लास्ट में प्रलय आप इसमें एक भजन निकालो, सुचारु वक्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार चितांग चंदनम नमामि नंद, उसमें मंडलम सुकर्ण भगवान कृष्ण ने ही ये जितने सारे अवतार हैं, मत्स्य कुर्मा बोलो उसके बाद में वराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम उद्धव और कल्कि, ये भगवान का तो 24 अवतार है, इसमें भगवान की 10 अवतार का नाम आया है, हैं? कहते कहते जितने सारे अवतार को किसने धारण किया है उसमें कहते केशव धृत
मीन शरीर केशव धृत कुर्म शरीर, केशव नहीं धारण किया, इसलिए उनका नाम केशव क्यों नाम पड़ा। पहले का मतलब होता है ब्रह्मा, इस मतलब होता है शंकर, इनका जो प्रभु श्री केशव, ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कहते जो केशव राधा रानी की जो केश है, केश समझते कि नहीं, जो केश जो बाल है, जो कंघी लेकर के जो कभी कभी सवारते हैं, इसलिए वृंदावन में एक श्रृंगार भट गए हो, श्रृंगार भट जहाँ पर राधा रानी को सुंदर उन्होंने अपना कंघी से उनके बाल को सवारे थे, और सुंदर सुंदर फूलों की माला से जो राधा रानी की बेड़ी को बड़े सुंदर में श्रृंगार करते, इसलिए उनका नाम केशव। इसलिए इन्होंने ही सारे जो अवतार है, सारे अवतार ये कृष्ण ने ही धारण किया है। इसलिए जब सुत गोस्वामी भागवत में ये सारे अवतार का नाम ले रहे थे, और लेते लेते उन्होंने कृष्ण को भी बोल दिया एक भी अवतार, फिर सुत गोस्वामी डर गए, बोले क्यों, बोले कृष्ण तो अवतार है ही नहीं, बोले फिर कृष्ण कौन है, बोले कृष्ण अवतारी, अवतारी का मतलब होता है जिनसे ये सारे अवतार जिनसे आते हैं, इसलिए उनको कहते हैं अवतारी। इसलिए उन्होंने कृष्ण के लिए अलग श्लोक बनाए, कौन सा श्लोक है, बोले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम बृढ़यंती जुगे जुगे। बोले हे सौनक आदि ऋषियों, अभी जो मैंने जो अवतारों का नाम लिया है ना, ये कौन है, बोले ये कृष्ण का कोई अंश और उनका भी कोई अंश है, लेकिन जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म कौन है, भगवान कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, इसलिए पितामह ब्रह्मा ये बात को कहते हैं। बोले ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये जो कृष्ण है कहते अनादि की जो आदि, उसका जो आदि जो कौन है, ये भगवान कृष्ण। इसलिए वेदों में बताया बृहदारण्य उपनिषद में, जब भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे कृष्ण खड़े हुए, अभी कृष्ण देखा अकेले तो लीला कर ही नहीं सकता हूँ, हैं, इसलिए बोले एक अपम बहम श्याम, कहते वो एक थे, जब लीला करने की इच्छा की उनको बाम अंग से श्री राधा रानी प्रकट हुई, वो रास से प्रकट हुई, इसलिए पहला अक्षर रा, और प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए धावित तो हुई, इसलिए इनका नाम पड़ गया राधा नाम पड़ गया है। कहते इनसे जितने उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी दुर्गा काली ये सबके सब कहाँ से प्रकट होती है, राधा रानी से। कहते कृष्ण का जो डाण अंग से, कहते श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए हैं, ताऊ भैया प्रकट हुए, इसलिए जितने अवतार हैं, हैं, इनसे मूल संकर्षण कारण तो गसाई गर्भ तो गसाई खिराब दिशाई, ये जितने सारे विष्णु कहाँ से प्रकट हुए, कहते श्री बलदेव प्रभु से। इसलिए मूल कौन हो गए, कृष्ण मूल हो गए कृष्ण। इसलिए ब्रह्मा कहते बोले अनादि, जिसका कहीं आदि नहीं, कहते उसका जो आदि है अनादि कौन है, ये कारण दोषाई विष्णु, इनसे ये सारे अवतार प्रकट होते हैं। बोले उनका जो आदि, कहते उनका आदि कौन, बोले श्री शंकरसन। बोले उनका आदि कौन, जो मूल शंकरसन, कहते बलदेव प्रभु। कहते इनके आदि कौन, बोले कृष्ण के नहीं, श्री भगवान कृष्ण, इनसे आदि और कोई नहीं। कौन कह रहा है ये बात को, कौन बोल रहे, ब्रह्मा ये बात कहते हैं, हम नहीं कह रहे, ब्रह्मा जी बात ये बात कहते हैं। इसलिए कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। ब्रह्मा कहते ये ब्रजवासियों ने ऐसे कौन सा पुण्य किया है, तपस्या किया, जो पूर्ण जो ब्रह्म जो सनातन भगवान कृष्ण किसका मित्र बन गए, किसकी लाला बन गए, किसके प्रियतम बन गए। इसलिए ये कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए इस सारे कारणों का कारण ये भगवान कृष्ण है। जब हम भगवान कृष्ण को उपासना करते हैं, सभी का उपासना अपने आप हो जाता है। इसलिए जो भजन हम लोग सुनोगे उसमें बोलो केशव धृत मीन शरीर, इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना क्या कहते हैं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भावति भारत
अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। ये बात को कृष्ण को छोड़कर किसने नहीं बोला, ये बात किसने बोला इस बात को? कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में यही बात करके, अर्जुन ये सारा दुनिया की जो कारण का कारण कौन है? मैं हूँ। इसलिए जब जब जगत में अधर्म है, अधर्म होने लग जाए, धर्म की हानि होता है, तब तक मैं क्या करता हूँ? ये अलग अलग अवतारों को लेकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। इसलिए केवल कृष्ण ये बात बताए कि जो विराट रूप है ना, विराट रूप किसने दर्शन कराया था? बोलो, लाइट चली गई, हो जाए। इसलिए कहते ये, कहते ये विराट रूप किसने दर्शन कराया था? ये विराट रूप ने किसने दिखाया था विराट रूप? कहते भगवान कृष्ण ही, ये विराट रूप को भगवान कृष्ण ही दर्शन करवाया। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, देख मैं कौन हूँ, हैं? मैं जगत का सबका कारणों का जो कारण है, मैं ही समस्त कारण का कारण। इसलिए कहते मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं। खुले दें तो हमारा ये स्क्रीन था, स्क्रीन था। हाँ, जनरेटर, ठीक ठीक, जनरेटर चला। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधार मन हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जनरेटर चलना, अरे माइक चला दो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। भगवान कहते मेरे को छोड़कर जगत में और कुछ है नहीं। इसलिए अर्जुन देख लो मैं कौन हूँ। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते हैं, अब गीता को पढ़े ना सुने, कृष्ण हर जगह में मैं बताए। कोई कहता अरे, कोई अपना प्रशंसा थोड़ी करते हैं, हैं? खुद को, मैंने जगत को सृष्टि की, विश्व ब्रह्मांड मेरे से सृष्टि हुआ, ये जो जो दुनिया देख रहे हो मेरे से हुआ है। और मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मेरे को छोड़कर कोई परतत्व है नहीं, जगत का सृष्टि करने वाला मैं हैं। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। मन मना भव, मन और किसी को मत दिया करो। मत भक्त भव, भक्त मेरा ही बनो। पूजा करना तो मेरा ही पूजा करो, हैं? प्रणाम करना तो मेरे को करो। कोई कोई कहते भगवान को, बोलो मैं कर करते, मैं ही करने वाला मेरे को। इसलिए किसने बोले ये मैं करना थोड़ी अच्छी चीज है, लेकिन भगवान कहते हाँ। भगवान क्यों कह रहे हैं मैं करने वाला हूँ? कहते वो समर्थ है, वो समर्थ है। वही व्यक्ति कह सकता है मैंने सब कुछ किया है जो समर्थवान हो। कृष्ण सब कुछ, इसलिए लास्ट में अर्जुन को क्या दिखा दिया, अर्जुन देख ये विश्व ब्रह्मांड मेरे में, और तू क्या मारोगे सारा दुनिया को? मैं तो मार कर रखा हूँ, सारा दुनिया को पहले ही मार चुका हूँ। केवल निमित्र मात्र भव सभ्य साची। हे अर्जुन,
केवल तुम निमित्त बन जाओ। इसलिए भगवान सारी कारणों का कारण यही है, जब जब जगत में अधर्म हुए भगवान ही कृष्ण ही अवतार लिए। अभी महाराज वो भजन गा रहे हैं, भगवान कैसे कैसे कब कब कैसे कैसे अवतार लिया और उनने क्या क्या काम किया है, भजन को गा रहे हैं। ये कवि जयदेव का आप ग्रंथ बोल करके पीछे पीछे बोलो, इसमें दशावतार स्तोत्र है, दस तुमको निकाल कर दे दो, तुम देर देते गा दे, उसको पीछे पीछे गाओ। Yeah.
इसमें कवि जयदेव कहते हैं, जब जब कहते भगवान पहले मत्स्यावतार लिया, पहले मत्स्यावतार क्यों लिया, कहते उसमें दो कारण बताए। पहला कारण है कहते जीव का धीरे 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 जीव विकास कैसे हुए। पहले मछली रूप में ठाकुर जी आए, उसको बाद में मछली कहाँ रहता है, पानी के अंदर में रहता है, उसको बाद में भगवान फिर कुरु अवतार लिया। बताओ कछुआ कहाँ रहता है, पानी में भी है और मिट्टी में भी, ये दोनों में रहता है, पानी और मिट्टी ये दोनों में रहता है। मतलब धीरे धीरे कैसे ये जीव धीरे धीरे विकास हुआ है। इसलिए कुछ कुछ लोग कहते हैं पहले हम बंदर थे और बंदर से इंसान बन गए, हाँ क्योंकि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए ना, धीरे 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 जीव कैसे सृष्टि हुआ। इसलिए लोग ये चीज को पकड़ लेते लेकिन कि कभी बंदर से इंसान हो नहीं सकते। अगर बंदर से इंसान होते हैं अभी कितना बंदर घूम रहे, अभी कोई बंदर कोई इंसान बन जाता भाई क्या, कहीं तब भी क्यों हुए अभी क्यों नहीं हुए, बोले उसका पूछ कटते करते है, उसका पूछ कटते करते अभी तो किसी बंदर का पूछ नहीं कट रहा है, कट रहा है किसी पूछ बंदर का। इसलिए यहाँ पर उसको बाद में कुर्म के बाद में भगवान से कौन सा अवतार हुए, बराह, बराह अवतार हुए। कहते बराह, बराह मतलब सुअर है, कहते सुअर कहाँ रहता है, स्थल में,
धीरे 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 उन्नत हुई। उसको बाद में फिर वामन अवतार कहते, वामन अवतार मतलब क्या है, कहते हैं बौना छोटा सा है, हुए तो इंसान लेकिन वो बौना रूप में छोटे रूप में, कहते वामन बाद में कौन हुए उसके बाद में नरसिंह भगवान हुए और थोड़ी ऊपर आए, लेकिन नरसिंह अवतार मतलब आधा इंसान और आधा शेर है, ये आधा इंसान और आधा शेर का रूप है, लेकिन ये तो है लेकिन ये पूर्ण नहीं, आधा इंसान और आधा शेर। उसके बाद में कौन सा अवतार हुए, परशुराम। परशुराम तो आए लेकिन आप देखा ना परशुराम ने क्या किया, जिस समय ये पृथ्वी के ऊपर में क्षत्रिय बड़े अत्याचार कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, सारे क्षत्रिय को उन्होंने क्षेत्रीय बना दिया, हाथ में क्या है फरसा है, हैं देखा विष्णु पुराण देखे ना कैसे फरसा में उन्होंने सबको गर्दन को उठा दिए, कितने दुष्ट लोग थे। इसलिए आए तो है लेकिन ये थोड़ा उग्र बता रहे, ये थोड़ा उग्र रूप है। उसके बाद में कौन आए, भगवान राम। बस भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते, जो पूर्ण जो विकास है श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हुए, जो बड़े सुंदर है, सारे मर्यादा को रक्षा करते हुए, प्रजा पालन करते हुए और पिता माता की सेवा, पिता माता की आदेश पालन करते हुए, हम कहते हैं राम राज्य, राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहते थे। लेकिन उसको ऊपर कौन हुए, कहते बलराम, बलराम श्री दाऊ भैया हुए, क्योंकि इनसे ही ये बलदेव प्रभु से सारे अवतार इनसे ही निकलते हैं, इसलिए उनसे और सुंदर श्रेष्ठ हुए। उसको बाद में कौन हुए, कहते बुद्ध है। बुद्ध ने क्या किया, जो हिंसा था, जो उस समय हिंसा चल रहा था, उन्होंने आकर के अहिंसा धर्म को उन्होंने जगत में प्रचार किए। इसलिए जो बुद्ध है ना, ये बुद्ध दो बुद्ध है, कहते एक तो आप नाम सुने होंगे, एक गौतम बुद्ध, नाम सुने कि नहीं, ये गौतम बुद्ध, जब उन्होंने बुद्ध मतलब ज्ञान को प्राप्त किया इनका नाम बुद्ध हुए हैं। ये जो गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक ही नहीं है, कहते एक ही नहीं है, कहते इनका जो पिताजी थे जो बुद्ध वो अंजना सुत है, और वो जो बुद्ध थे उनका पिता कौन थे, सुधाधर है, सुधाधर, सुधाधर। इसलिए ये भगवान दो बुद्ध है, हैं ये भगवान वो बुद्ध बुद्ध नहीं, अवतार नहीं, बिहार में रहे, नेपाल में। इसलिए कहते जो भगवान बुद्ध है उन्होंने अहिंसा धर्म को उन्होंने प्रचार किया। उसके बाद में कौन आए, भगवान, लास्ट में भगवान, अभी तो कल्कि हुए नहीं, अब कल्कि अवतार होने वाले, लेकिन कहाँ पर होएंगे, कहते संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवन विष्णु जस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। बता दिया ये संभलपुर ग्राम में विष्णु जस उसका पिताजी का नाम होगा, उनकी घर में अवतार होकर क्या करेंगे, सारे दुष्टों को विनाश करेंगे। जब भगवान सारे जितने म्लेच्छ सारे म्लेच्छ को वध करेंगे, म्लेच्छ को वध करके क्या करेंगे, भगवान जब म्लेच्छ को वध करेंगे दुष्टों को, भगवान का शरीर से जो खुशबू निकलेगा ना चारों तरफ में आमोद कर देगा, सबका हृदय को परिवर्तन कर देगा, फिर सत्य युग आरंभ होगी। लेकिन कहते अभी जो इसी समय जो कल्कि अवतार है, कहते कल्कि अवतार नहीं होएगा। बोले क्यों नहीं होगा, कहते इसी कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, कौन आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और चैतन्य महाप्रभु जो आए इसकी प्रभाव से क्या होगा, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी, एक दिन ऐसे होगा पृथ्वी की गांव गांव में शहर शहर में भगवान के नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से एक बार बोलो सबसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जगत में ये हरि कीर्तन को प्रचार और प्रसार करेंगे, इसलिए कलि का जो प्रभाव है ना नहीं ज्यादा नहीं पड़ेगा। पहले पहले में समय में दिखाई पड़ता था, एक मीरा कहीं हुई है, एक तुलसीदास हुए हैं, एक कबीर हुए हैं, कई भक्त हुए हैं, लेकिन अभी देखो बड़ौते में देख लो कितने भक्त हो गए, सब कंठी धारण करें माला धारण करने वाले हरिनाम करने वाले बड़ौते में कितने मीरा हो गए, और बड़ौते में कितने
सब भक्त हो गए हैं। इसलिए बोले ये कलयुग में ये कलयुग इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, कलयुग में महाप्रभु आए कलयुग में। इसलिए कवि जयदेव भगवान के सारे अवतारों का नाम को ले लेकर के यहाँ पर उन्होंने सब उन्होंने भजन किया है। इसलिए लगते हैं आप लोग जल्दी जल्दी उठ करके आए हों और इसलिए आपको जल्दी छोड़ देंगे। अरे शाम को ना हमारे जो भक्त लोग हैं, देखो शाम को सब कृष्ण तत्व के ऊपर शाम को तुम लोग बोलना, ठीक है, तैयार करना कृष्ण तत्व और कृष्ण लीला, कोई इधर उधर नहीं, कृष्ण लीला, कोई अच्छी अच्छी लीला, जैसे उनकी मक्खन चोरी लीला, उनकी दाम बंधन लीला, उनकी कौन सा लीला, फल विक्रयणी लीला, पुतना वध की लीला, सब लोग एक एक अच्छे एक 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 अच्छी अच्छी लीलाओं को तैयार करके आना और शाम को सबके सब एक एक कृष्ण की, क्योंकि आज शाम को लंबा समय चलेगा, 11:30 बजे तक चलेगा, हैं बीच बीच में ज़्यादा थोड़ा कीर्तन करेंगे ज़्यादा और ज़्यादा चलेगा, इसलिए शाम को सबके सब एक एक लीलाओं को तैयार करके आना और सबके सब एक एक अच्छी अच्छी लीलाओं के ऊपर में सबके सब बोलना, ठीक है। हाँ कोई एक एक जोन के आना है कि आज रसोई बनाने का कोई हाँ झामला है, आज तो पूरा भूखा है, ठीक है ना, इसलिए घर वाला तो नहीं छोड़ेगा, जो व्रत नहीं का वो तो खाए नहीं, नहीं किसी ये इनका सब घर वाले सब भक्त हैं। हाँ और देखो कोशिश करना ठाकुर जी के लिए ना कुछ कुछ बना करके लाना, आज जैसे एक कोई एक एक चीज बना करके आपस में से बात कर दो, आप एक बोला वो अलग सब अलग अलग चीज बना, आप लोग बात कर लो क्या क्या बना करके लाओगे, ठीक है, अलग अलग बना करके लाना और आज ठाकुर को शाम को ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। अभी ठाकुर जी के अंदर में फूल का श्रृंगार भी, ठाकुर जी के अंदर में फूल का श्रृंगार सब लोग मिल कर लो, पर यहाँ पर भी सजाना है, ठीक है। बोले कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम करते थे। आज किसी ने जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, इसलिए कृष्ण जन्म लेने पर सबको आनंद मिलता है, आनंद मिला कि नहीं, लेकिन ये गुरुदेव कहते सबसे ज्यादा आनंद कौन मिला, कृष्ण जन्म लेने से जगत में पृथ्वी में सबसे ज्यादा आनंद कौन मिला, कौन बोलेगा हाथ में,
चुप हो गया। कौन है? श्री राधा। इसलिए कहते कृष्ण जन्म होने से श्री राधा रानी सबसे ज्यादा प्रसन्न राधा रानी, और राधा रानी जन्म लेने से सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? कृष्ण हुए हैं, कृष्ण हुए। कहते गुरुदेव कहते राधा जी की अगर खुश करना चाहते हो, राधा जी का नाम लेने से राधा रानी खुश नहीं होते, किसके नाम लेने से कृष्ण खुश हो, राधा रानी। कृष्ण अगर राधा जी का नाम लो ना, कृष्ण खुश होते हैं, और कृष्ण नाम से कौन खुश होते हैं? राधा रानी। इसलिए गुरुदेव कहते थे आज कृष्ण जन्म हुए हैं, कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे जब श्री राधा जी का नाम लेंगे। प्रभु जी अभी राधे जय जय गाते हैं। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
वृंदावन बिहार जीव की जय, राधा रानी की जय। श्री श्री गौरंग गंधर्व गागरधार गपनस श्री गौर राधा विलग बिहार जीव की जय। कलिदिगा पावन अवतरश वरुण तारण प्रभु की जय। श्री कृष्ण चंद्र स्वर्भापति महामहोत्सव की जय। राधा ठाकुर की जय। जय जगत भक्तुल गुरु महाराज की जय। जय नित्य कृष्ण भक्त महाराज की जय। जय नित्य।